नमस्ते भाई, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आप लोगों का नवी वीडियो में। और अभी मैं हूँ यहाँ पे, एक शहर है उसका नाम है शकोदर में हूँ मैं। मेरे साथ यार ये लोग भी हैं, ये इजिप्ट से हैं जनाब। तो फ्रॉम इजिप्ट कायरो, यस ओके। तो केंद्रिया, ओके। तो ये लोग मिले यार मुझे, हल्ला कुब्रा महला तिसल आलमी। तो फिलहाल यार हम अभी सिटी सेंटर में चल रहे हैं, और आज मैं इस जो आपको मस्जिद दिख रहा होगा ये सामने दिखा है, वहाँ पे सोने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम लोग टेंट लगा के सोने का सोच रहे हैं, एक दिन का ही, क्योंकि यार 1000 रुपये का वो था हॉस्टल, तो हमने सोचा यहीं सो जाएंगे। तो यार ये शकोदर की रोड है, कुछ ऐसी दिखती है। सामने यहीं पे ये मस्जिद है जहाँ पे हम सोने वाले हैं। तो ये अभी यहाँ के सीन है यार। तो सुप्रभात, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और 7 बजे हैं, और सफ़र शुरू करना है। यहाँ पे सो रही थी मैं, बैग उस तरफ पड़ा होगा यार कहीं। तो थोड़ी देर तो यार बात करती हूँ, अभी उठी हूँ बस मैं। पीछे एक बस थी, उसको मैंने बोला कि भाई जाना है इस गांव की तरफ, बॉर्डर की तरफ है। उसने कहता पासपोर्ट कहाँ है, मैंने पासपोर्ट दिखाया, उसने सारे मेरा वीज़ा देखा, पासपोर्ट देखा, फिर भी कहता नहीं नहीं भाई तुम सीरिया से आए हो, मैं नहीं लेके जाता। कहता मेरे को डर लग रहा है, पुलिस मेरे को पकड़ लेगी और तुम्हें भी पकड़ लेगी। मैंने कहा यार हद है तुम्हारी, तो अभी दूसरी बस ढूंढनी पड़ेगी हमें, इसने तो मना कर दिया जनाब। तो भाई यार ये पीछे को और बस आपको दिख रही है, ये भी कह रहा मैं नहीं लेके जाता। यार ये जब कलोल हो रही है भाई, यहाँ पे कोई लेके नहीं जा रहा है। लेकिन मैंने भी नहीं बोला कि भाई मेरे पास वीज़ा भी है, पासपोर्ट भी है, लेकिन तब भी कह रहे भाई हम नहीं लेके जाते, हद है। तो यार ये बस स्टैंड था यहाँ पे बाहर, और इस बस वाले ने भाई बिठा लिया हमें। एंड टिकट थी 15 यूरो की टिकट थी, 4 यूरो का बैग का प्राइस था। तो वो अल्बेनिया की करेंसी में होता है 2500 रुपये, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1150 रुपये थे, 1000 रुपये ही मान लो आप। तो मैंने पता क्या करा, मैंने उनसे पैसे भी नहीं पूछा कि कितना का टिकट है, मैंने सारे पैसे हाथ से निकाले, 1000 का नोट और 100 या 50 के सिक्के थे, और एक 1100 रुपये मैंने उनके हाथ में रख दिए। और उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है वो ले गए भाई साथ में। तो उन्होंने मेरे से भी नहीं पूछा कितने दे रहे हो क्या नहीं, वो समझ गए खुद ही। तो उन्होंने कहा चलो, फिर कुछ अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। पिछली वाली बस ने मेरे को बिठाया ही नहीं बस में, और इस वाली बस ने कोई सवाल ही नहीं करा। तो टाइम टाइम की बात होती है यार, और लोग पे डिपेंड होता है। तो हम ऑलमोस्ट यार $10 में या 10 यूरो में जा रहे हैं, या उससे भी कम शायद, 8 तक सही है। तो यार ये बस है एंड खाली, बढ़िया, ज़्यादा लोग नहीं है, और बाहर के नज़ारे यार जनाब ऐसे हैं। तो जो मेरे दोस्त लोग थे वो भी तिराना की तरफ निकल गए हैं, ये सीन है। तो यार बाहर से हमारी बस कुछ ऐसे दिखती है, एंड यहाँ पे रुके हैं कहीं बीच रास्ते में है, पहाड़ों के बीच में। इस तरफ भी पहाड़ है, दूसरी तरफ भी पहाड़ है। तो यार यहाँ पे रुके हुए हैं कॉफ़ी के लिए, 10 मिनट का रास्ता था या 15 मिनट का, और इसने रोक दिया गाड़ी, कहता चाय कॉफ़ी पी लो, पीनी है तो। जनाब इस जगह रुके हैं, ये बस है हमारे पास तो 1 रुपया नहीं बचा कुछ खाने के लिए, तो मैं ऐसे वीडियो बनाने के लिए उतरी हूँ बस से। और सामने ये पेट्रोल स्टेशन भी है पीछे, आप लोगों को दिख रहा होगा।
और यार ये फिर से फ़ोन में बन रही है वीडियो, क्योंकि जो वो गोप्रो था मेरा वो मैंने वापस कर दिया था उन जनाब को, तो अभी मैं ये फ़ोन में ही बना रही हूँ। बस एक रुपये नहीं है तो यहाँ पे अल्बेनिया में ये फ़ायदा है कि पानी आपको फ्री में मिल जाता है, तो पानी ही पी रही हूँ यार मैं। तो जो दुकान अपने सामने देखी थी मैं वहाँ पे गई, मैंने बोला भाई पानी दे दो, तो उन्होंने दे दिया। इंडिया वाला हिसाब किताब है। भाई ये एरिया है जनाब, यार यहाँ पे रुकी हुई है बस और यहाँ पे पासपोर्ट चेक हो रहे हैं। थैंक यू। तो यार ये भाई पासपोर्ट वापस आ गया, तो बाहर के नज़ारे ऐसे दिख रहे हैं कुछ। लेकिन यार जो ये पीछे आप देख रहे हो ये मोंटेनेग्रो का बॉर्डर कंट्रोल जोन है, तो यहाँ पे आके उतरना पड़ा और पासपोर्ट दिखाना पड़ा हमें, तो उसके सिस्टम में स्कैन करने से आया नहीं, स्लो था सिस्टम। फिर उसने नंबर डाल के देखा, फिर उसको मिला मेरा वीज़ा नंबर या जो भी ये लोग पिन डालते हैं, तो उसने बोला ठीक है भाई जाओ जाओ। तो ये पीछे बस है हमारी और अब भाई ऑफिशियली मोंटेनेग्रो में एंट्री हो गया। वैसे हमने क्रॉस तो कर लिया था अल्बेनिया वाली साइड से बॉर्डर, लेकिन अब हमारी एंट्री भी हो गया और बॉर्डर कुछ ऐसा दिखता है जनाब। तो स्वागत करते हैं यार आपका मोंटेनेग्रो में, और ये सीन है। तो यार ये मोंटेनेग्रो वाली साइड जनाब ऐसे दिखती है कुछ। तो सफर शुरू करते हैं भाई अपना। अब यहाँ का बस स्टैंड है, बस स्टेशन है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को और फिर साझा सीन बताती हूँ। तो यार ये मोंटेनेग्रो पोडगोरिस्का का बस स्टेशन है, और उन जनाब ने भाई मेरे को डिस्काउंट में टिकट दे दी थी, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अभी हमें ये देखना है कि अपना सोने का इंतज़ाम कहाँ होएगा। तो यार बात ऐसी है कि सारे हॉस्टल यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं जो भी ऑनलाइन दिखा रहे हैं, तो मेरे को अभी फिर मस्जिद में आके बैठना पड़ा है। वो ये आपके सामने अरेबिक लिखी हुई है। चलो अभी मैं बहुत थक गई हूँ और मैंने बहुत पैदल चला है, 4-5 किलोमीटर से भी ज़्यादा, वो भी इतने दो भारी बैग उठा के। तो मैं थोड़ी देर तक आप लोगों से बात करती हूँ यार, अभी तो कुछ नहीं समझ आ रहा। तो यार मैं अभी उठी हूँ थोड़ा, और मेरे से अब बोला जा रहा है, थोड़ी थकान दूर हुई है। तो यार ये मस्जिद है जनाब जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, बहुत खूबसूरत है। एंड मेरे बैग यार यहाँ पे थे, और यार इधर सोने लगी थी मैं, सो ही रही थी, लगी थी क्या, यहाँ पे बैठी हुई थी मैं, सो रही थी। तो अभी फ़िलहाल यार ये सीन है। तो यार आज का भी आशियाना हमारा अभी फ़िलहाल मस्जिद में है, ईशा के टाइम ये लोग बंद कर देंगे बिल्कुल। तो शायद बाहर सोना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट रूम्स नहीं हैं, सिर्फ ये ऐसे प्रेयर करने का ही एक कॉमन स्पेस है। तो ये ऊपर वाली जगह लड़कियों की है, तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। फ़िलहाल ये बैग्स हैं, और अभी मोंटेनेग्रो में सब होटल वगैरह का प्राइस हो गया है 30 यूरो से 40 यूरो, और यहाँ पे हॉस्टल नहीं है बिल्कुल भी। तो जब तक हमें कोई सस्ती जगह नहीं मिल जाती हम यहीं पे ही हैं, और जैसे तो मैं 1 या 2 दिन रहूँगी फिर अपना सफ़र आगे शुरू करना पड़ेगा। तो मुझे एक्चुअली पुराने दिन याद आ रहे हैं इंडिया के, जब मैं ऐसे ट्रैवल करती थी, सोने की जगह नहीं होती थी, सिर्फ घूमते 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 घूमते। सही है। तो यार बाहर से मस्जिद ऐसा दिखता है, मोंटेनेग्रो के आर्किटेक्चर में ही बना पड़ा है, बहुत सुंदर दिखता है, और बाहर से भी आर्किटेक्चर बढ़िया है। तो रोड ये, अभी मैं फ़िलहाल नहाने की जगह ढूंढ रही हूँ। तो ये सीन है यहाँ के, रोड पे कुछ कोई बंदा नहीं होता, खाली पड़ी रहती है रोड,
सारा टाइम। मैं वहाँ पे मतलब वेजिटेरियन में था, सिर्फ सूप और सलाद, और मैं कच्चा खा खा के खुद पागल हो रखती हूँ। तो मैंने भाई सूप ऑर्डर करा, ऑफकोर्स मैंने उससे पूछा कि सूप ऑर्डर करने में क्या है, तो उसने मुझे बोला कि सब्जियाँ। मैंने उससे पूछा कि भाई मच्छी का पानी भी नहीं डाला ना तुमने या चिकन का, कहता नहीं डाला। मैंने कहा चलो ठीक है, तो वो लेके आएगा। एंड यहाँ पे भाई मोंटीनिग्रो में बात ऐसी है कि चलता है सिर्फ यूरो। तो आज यार मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहती हूँ, सोने की जगह ही नहीं मिल रही अपने को। तो बिल उसने बनाया है 2 यूरो और 0.30, तो 2.5 मान लो आप। अब इंडियन में कितना हुआ पता नहीं अपने को, लेकिन $3 या $4 हुआ इतने कम खाने का। भाई मोंटीनिग्रो गजब महंगा है। सही है, कोई नहीं। तो भाई ये खाने में दिया है इन्होंने, और ये ब्रेड है यहाँ का। तो जनाब यार ये पानी पानी है, कुछ नहीं है इसमें। मेरे को लगा था थोड़ा सा कड़ी जैसा होएगा। कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। रात को पोदगर इसका की सड़क यार ऐसे दिखती है जनाब, आप लोग देख सकते हैं। तो ये रात के नज़ारे हैं यहाँ पे। ये लड़की घूर रही थी। यार ये पिज़्ज़ा खा रही हूँ मैं फ़िलहाल, और ये इन्होंने कोला मुझे ऐसे ही खातिरदारी में दिया। ये जनाब अल्बेनिया से हैं, तो ये बेकरी थी। तो इस तरफ खाली पड़ा है, उस तरफ ब्रेड पड़े हुए हैं। वीडियो एडिट हो रही है मस्जिद में, और मैं यहाँ पे सो रही हूँ जनाब आज। तो ये सीन है, बैग मेरे वहाँ पे, और रात के 11:30 हो रहे हैं टाइम। तो मैं आप लोगों को यार मोंटीनिग्रो का वीज़ा का डिटेल बता देती हूँ कि बेसिक डॉक्यूमेंट लगे थे, नॉर्मल पासपोर्ट फ़ोटो, वीज़ा फ़ोटो, पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा जितने भी आपके पासपोर्ट पे उसका कॉपी, बैंक स्टेटमेंट, लाइफ इंश्योरेंस और होटल बुकिंग, एंड अगर फ्लाई कर रहे हो तो रिटर्न टिकट भी। और अल्बेनिया में फ़ीस थी 38 यूरो, इसमें से 2 यूरो टैक्स लिया था बैंक ने या 3 यूरो। तो ये डिटेल थी भाई मोंटीनिग्रो वीज़ा की। आपको एप्लीकेशन फॉर्म या तो वेबसाइट पे मिल जाएगा या एम्बेसी से मिल जाएगा। और जी हाँ, आप मोंटीनिग्रो का वीज़ा आई थिंक किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं, मोस्ट कंट्रीज़ में। एंड मैंने अल्बेनिया से अप्लाई करा था, तो अभी मैं मोंटीनिग्रो में हूँ। एंड बहुत बहुत शुक्रिया ये पहला दिन मोंटीनिग्रो में आपको वीडियो देखने के लिए, और आप लोगों से अगली वीडियो में मिलते हैं हम। तो अभी भाई शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और नॉर्मल ज़िंदगी निकली आज की, लेकिन अच्छा था। पहले सोने के लिए जगह नहीं मिली, अब हम मस्जिद में सो रहे हैं। तो आप लोगों से यार मैं बाद में बात करती हूँ। एंड मैंने सर से अभी इसलिए उतार दिया क्योंकि कोई भी नहीं है यहाँ पे, एंड अभी रात को सोने लगे हैं, वरना मैंने पूरा दिन वो पहन रखा था। तो सही है।